गाइस यार हमारी किस्मत भाई पता नहीं यार इतनी खराब क्यों है। हमने इतनी मुश्किल से भाई इतने जुगाड़ लगा कर है ना अल्ट्रॉन के लकी बॉक्स को ढूंढा और भाई उसमें भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अरे हाँ प्रेम भाई यार पता नहीं हमारी किस्मत ऐसी क्यों है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है हर बार। यार शिनचैन पता नहीं भाई क्या हो रखा है, रुको गाइस अभी आपको दिखाता हूँ। हमने अल्ट्रॉन का लकी बॉक्स तो ढूंढ लिया है लेकिन हमसे थोड़ी देर पहले उसे आयरन मैन ने भी ढूंढ लिया है और अभी आयरन मैन है ना इस वाले लकी बॉक्स के फोटोज खींच रहा है। और वो देखो भाई वो अपने कितनी तगड़ी सुपर कार में आया है, ये कार देख रहे हो आप, ये आयरन मैन ने ना कल ही खरीदी है और भाई काफी ज्यादा महंगी भी है और काफी ज्यादा ओसम भी है। अरे फिंग भाई यार मेरे दिमाग में एक मस्त सा आइडिया आया है, अगर अगर अच्छा हो ना तभी बताइयो। हाँ यार मैं गारंटी दे रहा हूँ उससे हमारा काम बन जाएगा। अच्छा फिर बता तो क्या आइडिया है तेरा। फ्रेंक भैया हम है ना आयरन मैन को एक फेक कॉल करेंगे और उस पर है ना हम हल्की आवाज में उससे बात करेंगे और हम उसको बोलेंगे कि लॉस सैंटोस में ना काफी बड़ा हमला हो गया है और ये बात सुनकर है ना वो लॉस सैंटोस की तरफ चला जाएगा और मुझे पक्का पता है कि वोल्ट्रॉन के लकी बॉक्स को है ना जल्दी जल्दी में यहीं पर छोड़ जाएगा। यार शिनचैन आइडिया में दम तो है, चल भाई एक काम करते हैं फेक कॉल करते हैं ठीक है। चलो गाइस यार टोनी को कॉल करते हैं, कहां पर गया उसका नंबर, अरे हाँ ये रहा। अरे फेंक भैया यार अगर आप अपने फोन से बात करोगे तो टोनी को पता नहीं लग जाएगा कि आपने फोन मिलाया है। अरे यार शिनचैन मैंने अभी है ना एक नया नंबर लिया और वो नंबर है ना किसी के भी पास नहीं है तो मैं ना हल्की आवाज में बोल दूंगा कि ये मेरा नया नंबर है। फेंक भैया यार अपने दिमाग तो है। चलो गाइस यार अभी टोनी को फोन करते हैं। हेलो टोनी, ये तो हल्की आवाज है लेकिन हल्का तो दूसरा नंबर है, लगता है कि शायद उसने नया नंबर लिया होगा, चलो देखते हैं कि हल क्या कहना चाहता है। टोनी जल्दी आओ, लॉस सैंटोस में रेड हल्क ने आतंक मचा दिया है, वो तबाही मचा रहा है, जल्दी आओ मैं उसे अकेला संभाल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है हल्क तुम उसे थोड़ी देर के लिए संभालो, मैं तब तक वहाँ पर पहुँचता हूँ। ठीक है टोनी जल्दी आओ। अरे वाह यार शिनचैन काम बन गया भाई, आज इस रेड हल्क को सबक सिखाना ही होगा, आज मैं रेड हल्क को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो वापस कभी लॉस सैंटोस में मुड़कर देखने की भी गलती नहीं करेगा। चल भाई शिनचैन अभी जल्दी आ जा, टोनी जा चुका है और गाइस यार शिनचैन ने जो आइडिया दिया था ना वो काम कर गए। एंड अब भी आप देखो ये अल्ट्रॉन का लकी बॉक्स है ये कितना ज्यादा बड़ा है। अरे फिंग यार मैंने बोला था ना कि ये आइडिया काम करेगा। हाँ यार शिनचैन भाई आज तो तूने ना कमाल ही कर दिया। चलो गाइस यार इससे पहले कि टोनी को पता लगे कि वो फेक कॉल थी और वो वापस से यहाँ पर आए हमें जल्दी से इस वाले अल्ट्रॉन के लकी बॉक्स को ओपन करना होगा, तो चलो फिर 3, 2, 1 फायर। गाइस यार ये देखो हमें अल्ट्रॉन के पहले लकी बॉक्स के अंदर से अल्ट्रॉन का सूट मिला है और भाई यार ये काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। अरे फेंक भैया यार जल्दी से इसे पहनो, अगर टोनी यहाँ पर आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ यार शिनचैन ठीक बोल रहा है, तो चलो गाइस यार अभी मैं सूट को पहन लेता हूँ। सो ऑल राइट गाइस ये देखो मैंने अल्ट्रॉन के सूट को पहन लिया है एंड आप पास से देखो भाई ये कितना ज्यादा हैवी लग रहा है। एंड ये वाला जो अल्ट्रॉन है ना ये काफी अपग्रेडेड वर्जन का अल्ट्रॉन है, तो शिनचैन मुझे ऐसे लग रहा है इस सूट में ना हमें काफी एडवांस पावर्स भी मिली होंगी। चलो अभी है ना उनको चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे इस सूट के ना एक बार फ्लाइंग चेक करनी है कि इसकी फ्लाइंग कैसी है। ये देखो भाई फ्लाइंग दिखने में तो काफी ज्यादा कूल लग रही है। एंड इसकी एक बार स्पीड चेक कर लेते हैं। ये देखो भाई हमारा आयरन मैन इतना फास्ट तो उड़ ही नहीं सकता है जितना ये उड़ रहा है। एक सेकंड ये देखो भाई ये तो सुपरमैन की टक्कर का है, देख रहे हो आप कितना फास्ट उड़ रहा है ये। गाइस यार ये वाला अल्ट्रॉन मुझे काफी ज्यादा गजब का लग रहा है। चलो यहाँ पर ना लैंड करते हैं और यहाँ पर काफी सारी गाड़ी आ रही है, इसके पंचेस देखते हैं। गाइस यार पंच देखो अल्ट्रॉन के, ये अल्ट्रॉन क्या ही नेक्स्ट लेवल का पावरफुल है भाई, के एक एक पंच इसके कितने खतरनाक है। चलो लॉस सैंटोस की ट्रेन पर इसके पंच चेक करते हैं। गाइस ये देखो भाई, गाइज आपको पता है ना जो लॉस सैंटोस की ट्रेन है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, हमारा आयरन मैन उसको रोक ही नहीं सकता है और इसने एक ही पंच में पूरी की पूरी ट्रेन का क्या हाल कर दिया है। देखो भाई आप तो आप अभी समझो, तो अभी आप समझो इस अल्ट्रॉन के लकी बॉक्स के अंदर से जो अल्ट्रॉन हमें मिला है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। एक सेकंड ये क्या है, किस चीज की आवाज है ये। गाइज मुझे लग रहा है कोई हमारे ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन है कहां पर और कौन है, है कहां पर। और एक सेकंड गाइज ये तो जेरिको मिसाइल थी, मुझे लग रहा है गाइज टोनी स्टार को पता लग गया है कि हमने उसे बेवकूफ बनाया था और वो इसलिए हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा। वो देखो वो रहा Mark 85 है, लेकिन हमारे पास भी अभी अल्ट्रॉन है और अभी हम उसको बताएंगे कि भाई हम कौन है, अभी फाइट में मजा आएगा। गाइज ये देखो भाई टोनी भी काफी ज्यादा पावरफुल है और हम भी काफी ज्यादा पावरफुल है, फाइट में मजा आ रहा है। गाइज ये देखो भाई, गाइज ये टोनी है ना भाई काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है,
मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन सच में टोनी ने जो मार्क 85 बनाया ना, ये काफी ज्यादा पावरफुल सूट है। और देखो भाई, हम कितनी तगड़ी फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टोनी हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है। हमारे पंचेस देखो कितने भारी भारी हैं, लेकिन फिर भी टोनी उठ उठ कर वापिस से आ रहा है। ये देखो, हीट ब्लास्ट का भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कहां गया अभी वो देखो भाई। सच में गाइज, टोनी का मार्क 85 काफी ज्यादा पावरफुल है। अल्ट्रॉन सिर्फ मार्क 85 से ना उड़ने में ही ज्यादा फास्ट है, फाइट में तो मार्क 85 ही बेस्ट है। ये देखो भाई, कितने तगड़े तगड़े हम इसको मुक्के मार देंगे, लेकिन ये फिर भी उठ कर आएगा। ये लो गाइज, अभी मैंने हीट ब्लास्ट मार दी अपनी। भाई कहां पर गया टोनी? टोनी कहां पर गया? गाइस मुझे लगता है कि वो यहां से बचकर भाग चुका है, लेकिन भाई देखो उसका काफी सारा खून निकला है, तो मुझे लगता है कि टोनी को काफी ज्यादा चोट लगी है, इसलिए वो हमसे डरकर भाग गया है। सो गाइस यार, अभी हम लॉस सैंटोस के ना डेजर्ट में आ चुके हैं, और हम पिछले दो दिन से ना यहां पर कैंपिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता लगा था कि इस वाले डेजर्ट में ना अल्ट्रॉन का एक लकी बॉक्स छुपा हुआ है। अरे गाइस यार, हम इस डेजर्ट में ना इतनी गर्मी में मर रहे हैं, और अभी तक है ना हमें अल्ट्रॉन के लकी बॉक्स का कोई नामो निशान भी नहीं। कोई बात नहीं शिनचैन यार, पॉजिटिव सोच, हमें आज कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। वैसे गाइस देखो भाई, ये जो रेगिस्तान का एरिया है ना, यहाँ पर रेत ही रेत है, और रेत है ना काफी ज्यादा गर्म भी है। मुझसे पूछो मेरा क्या हाल हो रहा है। अरे कोई बात नहीं शिनचैन, जब हम वापस से लॉस सैंटोस में जाएंगे ना, तो तू जो बोलेगा ना मैं तुझे वही वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा। अरे पक्का ना? अरे हाँ यार, बिल्कुल पक्का भाई शिनचैन, लेकिन हमें अल्ट्रॉन का लकी बॉक्स तो मिल जाए भाई। एक सेकंड, यहाँ पर ऊपर क्या है? ऊपर और चेक कर लेते गाइस, ऊपर तो हमने देखा ही नहीं। एक सेकंड, वो देखो गाइस, वहाँ पर कुछ है। अरे हाँ फ्रेंक भैया यार, कुछ चमक तो रहा है। चलो तो फिर भाई जाकर देख ही लेते हैं क्या है। यार है क्या ये चीज? अरे एक सेकंड गाइस, ये देखो, ये मुझे कोई लकी बॉक्स ही लग रहा है, लेकिन भाई इसमें तो आग लगी हुई है। अरे फ्रेंक भैया यार, गर्मी की वजह से तो इसमें आग नहीं लगी हुई है ना। पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो लकी बॉक्स हो ना वो काफी ज्यादा प्रीमियम हो। और गाइस ये देखो, ये अल्ट्रॉन का लकी बॉक्स है, मुझे ऊपर से ना अल्ट्रॉन का फेस दिख गया है। शिनचैन सच बताऊं ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस वाले लकी बॉक्स के अंदर से ना हमें काफी तगड़ी चीज मिलेगी। अरे यार फिंग भैया, फिर तो चलो जल्दी से इसे ओपन करते हैं। हाँ यार शिनचैन, तो चलो गाइस यार, 3 2 1 फायर। गाइस यार ये देखो, हमें क्या मिला है शिनचैन, हमें अल्ट्रॉन के डायमंड वाली कार मिली है। अरे फेंक भैया यार, ये तो काफी मस्त चमक रही है। हाँ यार शिनचैन, देखो तो गाइस यार, ये कैसे शीशे की तरह चमक रही है। चल भाई इसके अंदर बैठते, पहले तो है ना इसको चला कर देखते हैं। पूरी की पूरी गाइस, ये वाली जो कार है ना वो डायमंड की बनी हुई है, और इस डेजर्ट की धूप में तो ये और भी ज्यादा चमक रही है। हाँ यार देखो तो भाई, ये कैसे चमक रही है। एंड सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये एक सुपर कार भी है। तो गाइस यार आप सोचो, एक तो पूरी की पूरी डायमंड से बनी हुई है, और वो भी एक फ्यूचरिस्टिक सुपर कार। और शिनचैन मुझे तो ऐसे लग रहा है भाई, इतनी महंगी कार तो यार टोनी स्टार के पास भी नहीं होगी। अरे फ्रेंक भैया यार, आप टोनी स्टार को है ना कम मत समझो, वो है ना काफी ज्यादा अमीर है, उसके पास तो इससे भी खतरनाक खतरनाक सुपर कार से। अरे यार मैं सुपर कार नहीं बोल रहा, उसके पास सुपर कार तो है ये तो मैंने मान लिया, लेकिन उसके पास कोई डायमंड की कार नहीं है, उसके पास है ना सिर्फ एक गोल्ड की कार है। अरे हाँ यार, वैसे ये बात तो है। वैसे गाइस यार, आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये अल्ट्रॉन की कार कैसी लगी है। मुझे तो ये अल्ट्रॉन का सूट भी काफी ज्यादा पावरफुल लगा है, और उसकी ये कार भी काफी ज्यादा ऑसम लगी है। एक सेकंड, चलो इससे ना थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके देखते हैं, क्या ये कार ऑफ रोडिंग कर सकती है। भाई ये देखो, यहाँ पर घास में तो यार ये काफी सही चल रही है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी ये काफी ज्यादा सही चल रही है। तो कुल मिलाकर बोले तो गाइज, ये वाली जो कार है वो काफी ज्यादा ही ऑसम है।